नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 20। द्रोणाचार्य के बच्चों का जेईई एडवांस में अद्वितीय प्रदर्शन। द्रोणाचार्य वेटो आईआईटी एवं नीट की तैयारी कराने वाले संस्था के 17 बच्चों ने जेईई एडवांस में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्था के शंकर नाथ को जनरल रैंक 2258, राहुल कुमार को जनरल रैंक 2515, अंकित कुमार को जनरल रैंक 7080, प्रियांशु शर्मा को जिंदल रैंक 8788, गोपी कांत को जनरल रैंक 10389, शंभू कुमार को जनरल रैंक 10650, पृथ्वीराज को दास 838, युवराज सिंह को जनरल रैंक 111-1, 111-7, आयशी कुमारी को जनरल रैंक 140447, रवि कुमार को जनरल रैंक 14432, अविनाश कुमार को जनरल रैंक 14887, सूरज कुमार को 16389, संजना कुमारी को जनरल रैंक 18118, अंकित कुमार को जिंदा बैंक 398, यश कुमार को जनरल रैंक 23834, पल्लव कुमार को जनरल रैंक 25045, युवराज मेहता को जनरल रैंक 26983 स्थान प्राप्त हुआ। सभी छात्रों ने द्रोणाचार्य कोचिंग संस्था का मान बढ़ाया है। इन सभी को आईपैड एवं मोबाइल एवं अन्य गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। संस्था के डायरेक्टर द्वारिका प्रसाद, मृत्युंजय परमार और गोविंद मिश्रा ने बच्चों की सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि संस्था ने बेहतरीन पढ़ाई और उनकी मेहनत रंग लाई है। शंकरनाथ का आया है जो 2258 रैंक है जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी कैटेगरी में है 358 रैंक, और जो सेकंड बेस्ट है वो 2515 राहुल कुमार का रैंक आया है। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक आया है, तो और हम लोग इनके लिए जो इनका जो भविष्य है उनके लिए हम लोग ने शुभकामनाएँ हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। और आज थोड़ा सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और जो भी हमारे क्लास में हमारे इंस्टीट्यूट में जो 12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनका एक सेशन भी होगा कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी, किस तरह से इतना अच्छा रैंक आया। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 2-3 सालों में जो लॉकडाउन के चलते पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो पा रही थी, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट से लॉकडाउन के समय में भी इंस्टीट्यूट से बराबर ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बराबर उन लोगों को एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाती रही। हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, और ये जो अच्छा रिजल्ट है यहाँ जितने भी शिक्षक हैं और यहाँ का जो पूरा जो पढ़ाई का व्यवस्था है, हर चीज़ जो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो पूरा द्रोणाचार्य फैमिली है वो सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उन सबकी मेहनत का ही फल है, और बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत किया है, हमेशा टीचर के साथ रहे, और जो भी यहाँ पर जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं सब के सब हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा उनके लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी कोई भी स्टूडेंट रात के यहाँ तक 10 बजे भी कोई फोन करके डाउट पूछता है तो हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। जो बच्चे सिलेक्शन किए हैं उसकी आर्थिक स्थिति यदि खराब होगी तो उनके लिए क्या? हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग उन लोगों को पूरी तरह से हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरी तरह से उनकी सहायता की जाती है। उनको फी में रिबेट भी मिलता है, उनके लिए स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम होता है उसकी भी व्यवस्था होती है। तो जो बच्चे मेधावी हैं, जो परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई जो है इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग के लिए हम लोग के इंस्टीट्यूट से बहुत सहायता की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अभी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। लगता है कि इस स्टूडेंट्स में कुछ बात है, ये आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं। हर मतलब मुश्किल में यहाँ के सारे टीचर्स तैयार रहते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे या फिर वो मनोवैज्ञानिक स्थिति हो, चाहे वो इमोशनल सिचुएशन हो, हम लोग हमेशा उनसे जुड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों का हमेशा सर्वोत्तम विकास हो, जिससे वो राष्ट्र के लिए या फिर अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मृत्युंजय परमार और मैं द्रोणाचार्य के डायरेक्टर में एक हूँ, और भी यहाँ के डायरेक्टर्स हैं दो, गोविंद मिश्रा सर और द्वारका प्रसाद सर। ये लोग भी बच्चों के लिए जो है हमेशा लगे रहते हैं हमेशा। तो हम लोग का जो पूरा सिस्टम है गया का, इस साल ही नहीं हर साल यहाँ से जेई में सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। 2-3 दिन पहले नीट का भी रिजल्ट आया है, सबसे अच्छा रिजल्ट यहीं से हुआ है। सबसे अच्छा नंबर एक अनम रहमान लड़की थे, उसका नाम 652 नंबर आया 720 में, 3900 जनरल रैंक है। तो 2 साल पहले ही नीट स्टार्ट हुआ है, तो नीट का भी रिजल्ट यहाँ से बहुत बढ़िया आ रहा है।
तो हर साल यहाँ से गया था सबसे बेस्ट रिजल्ट इसी इंस्टीट्यूट से आता है। और ये जो है हमारी जो पूरा जो व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और निःशुल्क वो भी था, वहाँ भी सब फैसिलिटी मिलता था, जो भी चाहिए था वो सर से मांगता था तो वो दे देते थे। और फिर यहाँ कोचिंग में भी रेगुलर क्लास होते था। और कोचिंग से क्या क्या आपको सुविधा मिला? कोचिंग में जो भी सर से डाउट पूछते थे तो वो बता देते थे, जब भी टाइम मिलते था सर बता देते थे, अलग से भी डाउट क्लास लगते थे सर। भविष्य में आप क्या चाहते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको लिए बेहतर हो सकता है, ऐसा कोई गाइडलाइन भी मिला? किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे पढ़ाई करने? मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता हूँ और उसी में कहूँगा, उसी में करना चाहता। ठीक, कितना रैंक आया था, कितने दिन से कर रहे हैं? कितने देर से पढ़ाई आप कर रहे हैं? पिछले तो 11th क्लास खत्म होने के बाद। सेशन क्या है? सेशन 20 का एनवायरनमेंट है। अच्छा एनवायरनमेंट है, स्टडीज एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। पढ़ते रहिए, पढ़ते दे दीजिए, नाम बता दीजिए। आयुषी कुमारी। यहाँ तो मैं पिछले साल ही एडमिशन लिया था जी। मैंने एक साल 11th मैंने LN से किया और 12th मैं इधर से किया और पास आउट भी इधर से हूँ। मैंने दो साल JEE की तैयारी की, उसमें मेरा जनरल कैटेगरी से रैंक था 2515 और OBC कैटेगरी से 430। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं मानपुर पेट्रोटोली से हूँ। कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करने में? हाँ, इधर के पढ़ाई तो ठीक ही है, इधर के टीचर बहुत सपोर्टिव है और डॉक्ट क्लियरिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। एनवायरनमेंट वगैरह? हाँ, एनवायरनमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा है, कंपटीशन का माहौल रहता है इधर, टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा से रहता। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। कितने दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? द्रोणाचार्य में। द्रोणाचार्य में तो एक साल, 1 ईयर। हाँ, क्या नाम? राहुल कुमार। Thank you.
कुमार। Thank you.